हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी ये वीडियो होने वाली है विशाखापट्टनम की जर्नी पे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी ये 3 दिन की विशाखापट्टनम की टूर स्टार्ट होती है रायपुर रेलवे स्टेशन से, और ये हमारी ट्रेन यहाँ आ गई है। तो हमारी जो ट्रेन है वो है कोरबा विशाखापट्टनम लिंक एक्सप्रेस, जो कोरबा से 4 बजे छूटती है और 8 बजे का टाइम है रायपुर का, लेकिन आज ये काफ़ी लेट है। तो अभी बज चुके हैं 9, हम अपनी सीटें ले लेते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे सुबह सीधे विशाखापट्टनम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं विशाखापट्टनम और आज ये ट्रेन काफ़ी लेट है। वैसे इस ट्रेन का सही टाइम है 6:20 और आज ये ट्रेन हमें जिस टाइम पर पहुंचाई वो मैं आपको दिखाती हूँ। 10:55, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। यहाँ से नरसिम्हा टेम्पल की दूरी है 20 किलोमीटर। आज हम सबसे पहले जाने वाले हैं सीमांचलम नरसिम्हा टेम्पल, तो हम वैसे भी लेट हो चुके हैं, तो यहाँ से लेते हैं ऑटो और सबसे पहले चलते हैं अपने होटल में, फ्रेशन अप होंगे और फिर निकलेंगे टेम्पल के लिए। तो अभी आ गए हम अपनी बस में जो हमें नरसिम्हा टेम्पल लेके जाएगी। इसके लिए आपको RTC कॉम्प्लेक्स आना पड़ेगा और यहाँ से आपको नरसिम्हा टेम्पल जाने के लिए बस मिल जाएगी। आप चाहें तो कैब या अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी जा सकते हैं, और नहीं तो आपको मंदिर के नीचे बस मिल जाएगी जो आपको मंदिर तक छोड़ देगी। टेम्पल जाने के लिए टेम्पल की ही बस चलती है जिसमें आपको जाना पड़ेगा। वैसे तो ये टेम्पल 7 AM से 9 PM तक खुली रहती है, पर बीच में 2 घंटे के लिए 4 से 6 से बंद कर दिया जाता है, दर्शन के लिए नहीं जाने देते हैं। यहाँ भीड़ काफ़ी होती है और आपको ज़्यादा जगह कवर करना है तो आप स्पेशल दर्शन भी कर सकते हैं, उससे आपको दर्शन काफ़ी जल्दी मिल जाएगा और आप वापस भी जा सकते हैं। ये टेम्पल के नीचे का बस स्टैंड है, यहाँ की कोई भी गाड़ियाँ आकर आपको छोड़ जाएंगी। तो ये बस हमें तुरंत मिल गई है, अब चलते हैं टेम्पल में। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी है और ऊपर का जो व्यू है वो बहुत ही शानदार है। सब कुछ अच्छा लग रहा है, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और ये नज़ारा तो और भी काफ़ी खूबसूरत है। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर। ये मंदिर का पार्किंग एरिया और बस स्टैंड है, बस आपको आकर यहाँ तक छोड़ती है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ नरसिम्हा जी के दर्शन के लिए आते हैं। अब हम चलते हैं मंदिर में। मंदिर के अंदर फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है, उसके लिए आपको इस काउंटर पे फ़ोन को जमा करना होगा और बैग और शूज़ के लिए आगे काउंटर में उसे जमा करना होगा। नरसिम्हा टेम्पल में तुलसी की माला चढ़ती है तो आप यहां से इसे ले सकते हैं। नरसिम्हा जी का दर्शन करने के लिए आप फ्री दर्शन कर सकते हैं, 100 रुपये में स्पेशल दर्शन कर सकते हैं और 300 रुपये देकर VIP दर्शन भी कर सकते हैं। ये मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, मैं इसे केवल आपको बाहर से ही दिखा सकती हूँ। दर्शन कर लेने के बाद आपको फुली होरा का प्रसाद दिया जाएगा। अगर आप प्रसाद घर ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रसाद काउंटर में जाकर ले सकते हैं। प्रसाद के लिए टोकन लेना पड़ता है, लड्डू के लिए 15 रुपये और पुल्ली होरा के लिए 10 रुपये देने पड़ते हैं। सीमांचलम का प्रसिद्ध मंदिर होने की वजह से यहाँ भीड़ तो अच्छी खासी होती है और काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ये मंदिर बाहर से जितना सुंदर है उतना ही सुंदर अंदर से भी है। उसकी खूबसूरती देखने के लिए आपको खुद यहाँ आना होगा। आई होप मैंने इस मंदिर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। यहाँ से वापस हम बस स्टैंड जा रहे हैं, वहाँ से हम निकलेंगे कैलाशगिरी के लिए। RTC बस स्टैंड से हमने ऑटो ले लिया है। यहाँ से कैलाशगिरी रोपवे का रास्ता कुछ है 5 किलोमीटर का। आप चाहें तो कैलाशगिरी में ऑटो से भी जा सकते हैं, नहीं तो रोपवे से जा सकते हैं। ऊपर जाने से पहले हम नारियल पानी पी लेते हैं और फिर चलेंगे ऊपर कैलाशगिरी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रोपवे की तरफ। यहाँ से स्टार्ट हो गई है एक लंबी सी लाइन और यहाँ पर टिकट काउंटर है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और यहाँ पे टिकट जो है वो लिखा हुआ है एडल्ट का 150 रुपीज़ और चाइल्ड का 80 रुपीज़। आपके वापस आने का चार्ज भी इसी में इंक्लूड होता है, अलग से नहीं देना पड़ता।
रोपवे से कैलाशगिरी जाने के लिए 6 बजे के बाद एंट्री बंद कर दी जाती है। उससे पहले आपको टिकट ले लेना होता है। यहाँ आकर रोपवे का वेट करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि सामने इतना अच्छा व्यू जो है, समुद्र की लहरें साफ दिखाई दे रही हैं। रोपवे आ गई है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर से नज़ारा कैसा लगता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये रोपवे के नीचे जंगल का नज़ारा और दूसरे साइड समुद्र और सिटी का नज़ारा। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, लेकिन रोपवे से जाना एक अलग ही एक्सपीरियंस हो सकता है। ऊपर आने के बाद आपको व्यू पॉइंट दिखेगा, आप यहाँ फोटो तो क्लिक करा सकते हैं। फिर चलेंगे हम आगे। कैलाशगिरी में आपको टॉय ट्रेन मिल जाएगी और टॉय ट्रेन से आप पूरे कैलाशगिरी को घूम सकते हैं। इसके लिए आगे स्टेशन है, वहाँ चलते हैं और इसके टिकट ले लेते हैं। अब हम आ गए हैं ट्रेन के अंदर। इसमें एसी और नॉन एसी दोनों मिलेगी। नॉन एसी के लिए 100 रुपीस पर हेड देना होता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि टॉय ट्रेन में बैठ के और कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि ट्रेन में आप राइट साइड की सीट ले लें, क्योंकि लेफ्ट साइड से बहुत ही कम चीज़ें दिखाई देती हैं और सारा व्यू आपको राइट साइड ही दिखाई देगा। तो चलिए साथ में ही इंजॉय करते हैं कैलाशगिरी की खूबसूरती को। यहाँ से शाम को समुद्र और बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे थे और जैसे जैसे रात होने लगी थी सारे तरफ लाइट ही लाइट दिखाई दे रही थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। हम आ गए हैं ट्रेन से नीचे, अब पैदल चलते हैं शिव जी और पार्वती जी की जो प्रतिमा है उसे देखने। यहाँ पे थोड़े बहुत मार्केट आपको मिल जाएंगे और कुछ एक्टिविटीज करना है अगर बच्चों को तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
तो ये रही बड़ी सी मूर्ति शिव जी और पार्वती जी की। इतना देखने के बाद हम वापस जा रहे हैं रोपवे के पास। इस टाइम तक रोपवे से आप कैलाशगिरी नहीं आ सकते हैं, अब वो केवल आपको वापस ही लेके जाएगी। शाम के समय यहाँ आने का एक फायदा हो गया कि हमें दिन का भी व्यू दिख गया और रात का ये लाइट वाला नज़ारा भी देख लिया हमने। अब हम वापस नीचे आ गए हैं और अभी 8 बज रहे हैं, तो हमारे पास अभी कुछ टाइम है, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से चले जाते हैं आरके बीच के पास और वहाँ के नाइट व्यू को भी इंजॉय कर लेते हैं। हमने यहाँ कुछ देर इंजॉय किया। इस एरिया पे आपको खाने का अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। हमने अपना डिनर कर लिया है, अब हम जाके रेस्ट करेंगे और मैं अपनी आज की वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। कल हम जाने वाले हैं अरकू वैली, तो उसकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।